आज ही वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावर स्टार पवन सिंह जो बिहार के काराकाट से बीजेपी से टिकट ना मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के किए गले के फांस बन गए हैं, वो कैसे इस चुनाव में वो कारनामा कर सकते हैं जो बिहार के दिग्गज उम्मीदवार पिछले 10 सालों में नहीं कर सके हैं। यानी पिछले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी बिहार से लोकसभा का चुनाव जीत कर संसद नहीं पहुंचा है, जो एक बहुत बड़ी बात है बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य के लिए। लेकिन इस बार लग रहा है पिछले 10 सालों का सूखा खत्म हो सकता है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी निर्दलीय उम्मीदवारी और बीजेपी से बगावती तेवर दिखाते हुए अपने संसदीय क्षेत्र काराकाट में माहौल ही कुछ इस कदर बना दिया है, जिसने बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों पॉलिटिकल पंडितों को गहन चिंतन में डाल दिया है कि इस बार काराकाट में सियासत का ऊंट किस ओर करवट लेगा। खैर, आपको बता दें, बिहार से अंतिम बार 15वीं लोकसभा के चुनाव यानी 2009 के आम चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर संसद पहुंचे थे, जिनमें से एक बांका के निर्दलीय उम्मीदवार दिग्विजय सिंह और सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव थे। हालांकि 2010 के उपचुनाव में बांका के सांसद की मौत के बाद इनकी पत्नी पुतुल कुमारी निर्दलीय से चुनाव जीत कर सांसद पहुंची थी, लेकिन ये एक उपचुनाव था। वेल, ये तो अतीत के आंकड़े हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान में पावर स्टार पवन सिंह इसे कैसे दोहराते हैं और काराकाट से निर्दलीय चुनाव जीतकर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर अर्थात संसद भवन में बैठकर अपनी काराकाट की प्रिय जनता का प्रतिनिधित्व एक काराकाट के नेता नहीं बतौर बेटे के रूप में करते हैं, जो 4 जून को ही पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। वैसे आपको बता दें, पवन सिंह के अलावा यह रिकॉर्ड पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके कांग्रेसी नेता पप्पू यादव भी तोड़ सकते हैं। फिर एक और है शिवहर से चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी खेला कर सकते हैं। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।